हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री देगसर साहब। तो इस समय मैं हूं दुराहा रोड पे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यह है दुराहा रोड पे टोल प्लाजा। गाइस, इस समय पहुंच गए हम नीलो नहर। ये है नीलो नहर का व्यू। नीलो नहर के सामने गाइस आपको जो ये पुल दिखाई दे रहा है, तो ये पुल के नीचे की साइड से होते हुए जाएंगे दुराहा की तरफ, जो कि दुराहा की तरफ ही ये रोड जाती है। ये सामने दिखाई दे रहा है दिल्ली फिरोजपुर मोगा दुराहा का साइन बोर्ड। तो अब हम जा रहे हैं इस रोड पे, तो दुराहा रोड पे ही है जहाँ साइन बोर्ड दिखाया था, उससे आगे ये है टोल प्लाजा, जिसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो टोल प्लाजा, जो कि काफ़ी देर से बंद है। ये अंदर रोड का जिस साइड में ये टोल प्लाजा बना हुआ है, यहाँ का रास्ता बंद कर रखा है, देख सकते हो। तो ये सामने टोल प्लाजा का ये हाल है, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है झाड़ियाँ, ये है सिस्टम जो कि रुका हुआ यहाँ का टोल प्लाजा का। ये अगल बगल से निकल रहे व्हीकल, तो बीच का हिस्सा जो कि बंद कर रखा है। तो आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद किसान यूनियन के लग रहे हैं, जाके बात करते हैं। यहाँ पे कुछ बिस्तर से पट रखे हैं, ये देख सकते हो टोल प्लाजा का हाल। ये कैबिन भी बंद पड़े हुए हैं, जो कि देख सकते हो। ये कैबिन का हाल देख सकते हो, ये कैबिन बंद पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं भाई। रात में इतने ही फिर दिन रात किन्नी किसान यूनियन वालों है ना। हाँ हाँ, वो देखो लिखा नहीं पूछ रहे एक किन्नी देर तो बैठे हुए हो इतने। दो साल हो गए हम तक, जड़ी है बंद है ना, साल हो तो ऊपर हो गया। अच्छा, 20 जनवरी से बैठे हैं। अच्छा, ये टोल प्लाजा एक साल हो गया बंद हो। 26 जनवरी तो ठीक है, पहले उधर बैठे थे किस साइड जी? अच्छा, वो सामने। हां सामने एक साल हो गया टोल प्लाजा बंद हुए, जैसा कि यहाँ बैठे हुए स्थानीय लोगों ने बताया, जो कि किसान हैं। तो ये थे कुछ किसान जो कि मेरे पीछे बैठे, जिनसे हम बात कर रहे थे। तो अब इस साइड में ही आगे जैसे हम बढ़ेंगे, तो इस साइड में भी टोल प्लाजा का पार्ट है आगे जाके, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि दुराहा साइड की तरफ जाते हैं तो उस समय ये दूसरा पार्ट आगे आता है। तो ये टोल प्लाजा इस समय बंद है। तो अब चलते हैं गुरुद्वारा श्री गुरु देगसर साहब की तरफ। सामने है दुराहा, मेन हाईवे दुराहा रोड का। तो इस साइड में ये है पुली, जहाँ पे होके हमको गुरुद्वारा श्री देगसर साहब जाना है। तो ये है वो पुली जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। सामने है गुरुद्वारा श्री देगसर साहब का व्यू। अब हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा श्री देगसर कटाणा साहब, जो कि पंजाबी में लिखा हुआ बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो मेन दुराहा रोड से अंदर की तरफ जैसे हम गुरुद्वारा साहिब की तरफ पड़ते हैं, तो ये फ्रंट व्यू सामने से साइड से ऐसे दिखाई देता है। कितने बह नहीं अब देख, लो मैं कर दूँ ना। तो ये है गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग, तो जो कि फ्री पार्किंग है यहाँ पे। ये भाई साहब सेवादार हैं। सामने है गुरुद्वारा श्री देगसर साहब का फ्रंट का व्यू, गुरुद्वारा साहब के मेन एंट्रेंस का व्यू। मेन एंट्रेंस के सामने ये गुरुद्वारा साहब के प्रांगण में लगे हुए पेड़ और उस साइड में पार्किंग। ये गुरुद्वारा साहब के मेन एंट्रेंस के अंदर का व्यू, ये ऊपर छत का व्यू, मेन एंट्रेंस से मेन दरबार हॉल के सामने का व्यू। तो ये दरबार हॉल जाने से पहले ही सामने लगे हुए दो निशान साहब, सामने ये जोड़ा घर का व्यू, यहाँ से एंट्रेंस के लिए इस साइड में है रास्ता। ये है मेन दरबार हॉल से एंटर होने से पहले, ये लगे हैं मेन दरबार हॉल से एंटर होने से पहले निशान साहब, इस साइड निशान साहब, तो सामने एक निशान साहब।
तो गुरुद्वारा के मुख्य भवन के बाहर ये जो निशान साहब, यहाँ पे श्रद्धालु मत्था टेक के फिर मुख्य द्वार से भवन की तरफ अंदर प्रवेश करते हैं। ये गुरुद्वारा श्री देगसर साहब के मुख्य दरबार हाल के सामने लगे हुए ये निशान साहब जो कि दो हैं। तो गाइस, दो निशान साहब का मतलब है, एक गुरुद्वारा साहब के सामने जो इस साइड में निशान साहब आपको दिखाई दे रहा है, ये है छठी पातशाही श्री हरगोविंद साहब जो कि मीरी पीरी के जिन्होंने नींव रखी थी। तो दूसरा दशम पातशाही के प्रतीक स्वरूप निशान साहब सामने है गुरुद्वारा साहब का मुख्य दरबार हाल, जो कि आप देख सकते हो। मुख्य दरबार हाल में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए जाते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने, जैसा कि मैंने आपको दो निशान साहब दिखाए थे। तो ये किसी किसी गुरुद्वारे में दो निशान साहब लगे होते हैं जो कि इस बात के प्रतीक हैं कि छठी पातशाही श्री गुरु हरगोविंद साहब जो कि मीरी पीरी के मालिक जिनको कहा जाता है। तो दूसरा जो निशान साहब लगा होता है वो है दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रतीक। अब बात करते हैं गुरुद्वारा श्री देगसर साहिब के संक्षेप इतिहास के बारे में, जो कि तीन कारणों से इसके इतिहास जुड़े हुए हैं, जिसके तीन बिंदु हैं। जो कि पहला बिंदु छठी पातशाही से संबंधित है, जो कि श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी 20 फागुन 1675 विक्रमी को यहां आए। गुरु जी के पास 7 तोपे थी, साथ ही 1100 घुड़सवार और चंदू कैदी गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवाने वाला, एक 52 कलियों वाला चोला जिसे ग्वालियर के किले में से 52 कैदी राजाओं को छुड़वाया गया था। गुरुजी एक रात इस स्थान पर विश्राम किया और बेरी साहब के साथ अपना घोड़ा बांधा था। यह स्थान आपका दमदमा साहब कहलाया। दूसरा ऐतिहासिक कारण जो कि दसवीं पातशाही से संबंधित है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी उच्च के पीर बनकर 11 पौष 1761 विक्रमी को यहाँ आए। आपके साथ भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, भाई नबी खां और भाई गनी खां थे। आपने यहाँ बेरी साहब के नीचे अपना पलंग रखवा कर विश्राम किया। आप जी ने यहाँ पर अपने पवित्र हाथों से देग बंटवाई और गुरुद्वारे का नाम श्री देगसर साहिब रखा। इसलिए जो कोई भी मन्नत मांग कर यहाँ देग करवाता है, गुरु साहिब की कृपा से बख्शीश पूरी हो जाती है। गुरुद्वारा श्री देगसर साहिब का तीसरा ऐतिहासिक जो कि यादगार है वो नदी के संबंधित है। तो सन 1854 में सरहंद नहर का सर्वे हुआ और इस स्थान से नहर निकालने की योजना बनाई गई, परंतु खुदाई करवाने वाला अंग्रेजी इंजीनियर मिस्टर स्मिथ बेरी साहब कटवाने लगा, जो कि नहर निर्माण के नक्शे अनुसार हटाई जानी थी। बेरी साहब कटवाना जैसे ही शुरू किया, अंग्रेजी इंजीनियर अंधा हो गया। बेरी साहब में जैसे ही काटना शुरू किया तो बेरी साहब में से खून निकला। अंग्रेजी इंजीनियर बहुत पछताया, फिर 51 रुपये की देख करवाई, उसे फिर आँखों से दिखाई देने लगा। फिर इस स्थान को नहीं छेड़ा गया और नहर का रास्ता टेढ़ा करके बनाया गया। गुरुद्वारा साहब के पास से गुजरती नहर इतिहास की साक्षी है और वह बेरी साहब आज भी गुरुद्वारा साहब के परिसर में मौजूद है। अंग्रेज इंजीनियर मिस्टर स्मिथ द्वारा बनवाया हुआ छोटा सा गुरुद्वारा नज़दीक ही बना दिखाई देता है, जो कि इस गुरुद्वारा साहब को गिरा कर ऊपर गुरुद्वारा बनवाना चाहता था, परंतु यह गुरुद्वारा साहब अपनी पूरी शान से कायम है और यहाँ पर प्रत्येक महीने संक्रांति और हर रविवार को भारी जोड़ मेला लगता है। बाबा जी धुप नहीं लगती? धुप नहीं लगती? हाँ जी, अड्डी धुप च बैठे हो, खोली बेटा, खोली बेटा, छां च भेजो, इधर छां च भेजो, कोई नहीं धुप ही करा। हाँ जी सब वधिया, तुसी दसो इत्थे ही रहने हो कि दर्शन करने? नहीं, वैसे ही आई दिया असि सेवा तो मंदिर। अच्छा, शनिवार दी? शनिवार। अच्छा, शनिवार दे शनिवार दर्शन करने? दर्शन करके और सेवा ते जावांगे भांडे दी, ठीक, बर्तन दी फिर करांगे। अच्छा, सेवा सेवा भी करदे? हां जी, हां जी करी दी। ठीक, बहुत बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। हां, जिन्ने जो को है कि नहीं? हां जी, हां जी, ये तो बहुत वधिया गल है जी। जैसे ही मुख्य दरबार हाल में श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे श्रद्धालु शीश नवाकर पिछली साइड की तरफ निकलते हैं, तो दरबार हाल के पीछे भी एक द्वार है जो कि पिछली तरफ है। तो पिछली तरफ से श्रद्धालु जैसे ही निकलते हैं तो ठीक दरबार हाल के पीछे की तरफ ये पवित्र बेरी साहब है, तो जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु
यहाँ आते हैं तो बेरी साहब के दर्शन करते हुए श्रद्धा। तो गाइस ये सामने है गुरुद्वारा देगसर साहिब पातशाही छेवीं और दसवीं का संक्षेप में इतिहास। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं लंगर हाल, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो ये है सामने लंगर हाल जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये सामने है लंगर हाल का व्यू। लंगर हाल का व्यू बाहर से ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो तो इस समय मैं हूँ गुरुद्वारा साहब के लंगर हॉल में। ये लंगर हॉल से सामने एंट्रेंस का व्यू। तो ये लंगर हॉल, तो ये है लंगर की तैयारी। तो एक तरफ ये लग रखे हैं गुरुद्वारा साहब के सेवादार, वो भी लंगर की तैयारी कर रहे हैं। मैं समझा शायद गुरुद्वारा साहब के पक्के सेवादार थे। अच्छा पक्के तो बेचारे अब खाने पीने की करते हैं। चलो जी, जो जिथे गुरु साहब ने कहा है उत्थे पहुँचना ही है बंदे ने, बाकी लेकिन जो अपने मनों कर रहे हैं उस तो बाद कुछ है ही नहीं। सेवा करता है ना। हाँ जी, वो मन भावना पूरी ना कर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये थे कुछ सेवादार जिनसे बात हो रही थी। तो लंगर की तैयारी कर रहे हैं। तो लंगर हॉल का दूसरा पार्ट भी दूसरी साइड में है। ये लंगर हॉल का दूसरा हॉल दूसरी तरफ का द्वारा श्री देगसर साहब का ये लंगर हॉल का व्यू। काफ़ी बड़ा लंगर हॉल है। गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहब में ये मशीनें थी जो कि सिलेंडर ऑपरेटेड थी। तो ये भी वही मशीन है जिससे प्रसादा बनता ही है, सिलेंडर से ऑपरेट होती है। ये है पीछे सिलेंडर का कनेक्शन। तो यहाँ से आटा डाल के, जैसा कि उन्होंने प्रोसेस बताया था, आटा डाल के यहाँ से ये चेन सेट है जो कि यहाँ कन्वेयर बेल्ट है। तो मशीन के इस भाग से मर्यादा निकलता है बाहर, जहाँ नीचे की तरफ टोकरी रखी रहती है। ये है वो कन्वेयर बेल्ट का वो पार्ट जहाँ से नीचे रोटी प्रसादा बन के आता है। तो यहाँ पे टोकरी रख दी जाती है प्रसादे के लिए। तो ये इधर चल रहा है लंगर। लंगर हाल का भी जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो जैसे जैसे श्रद्धालु आते जाते हैं लंगर चलता रहता है। जैसे श्रद्धालु उठ के जाते हैं दूसरे श्रद्धालु आके बैठ जाते हैं, इसी तरह निरंतर लंगर चलता रहता है। तो ये लंगर हाल का व्यू। सामने लगी हैं बत्तियां जहाँ पे प्रसादा तैयार किया जाता है। अगर ज़्यादा संगत ना हो या ज़्यादा हो जाए तब भी इस्तेमाल में लाई जाती है। गुरुद्वारा साहब में दर्शन हो गए हैं। तो इस समय मैं हूँ गुरुद्वारा साहब के प्रांगण में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये हैं कुछ तोपों के प्रतीक, तीन तोपे जो कि साइड में लग रखी हैं। तो ये हैं वो चार तोपे इस साइड में, जो सात तोपे जिनका जिक्र इतिहास में किया गया है। गुरु हरगोविंद साहब जब यहाँ पे आए थे तो उनके साथ में सात तोपे 1100 घुड़सवार थे। तो ये है मुख्य दरबार हाल का बाहरी दृश्य। तो इसी के साथ में ये है पवित्र सरोवर। तो ये है पवित्र सरोवर का व्यू। यहाँ पे ये मछलियाँ दिखाई दे रही होंगी। अभी मैं आपको जो अंग्रेज द्वारा बनाया गया, जो मिस्टर स्मिथ जिसका इतिहास में जिक्र है, अंग्रेज जिसने ये गुरुद्वारा गिरा के बनाने की कोशिश की, जिसका यहाँ के इतिहास में लिखा हुआ दर्ज है। तो अभी हम चलते हैं उसी साइड में जहाँ पे वो
अंग्रेज मिस्टर स्मिथ ने गुरुद्वारा बनाया था। तो इस गुरुद्वारे में कोई नहीं आता, बस ये एक ऐतिहासिक यादगार के तौर पर रह गया है कि उसने ये गलती की थी गुरुद्वारा साहब को गिरा के इस स्थान पर गुरुद्वारा बनाने की, तो जिसके चलते ये एक प्रतीक स्वरूप रह गया है। तो ये है वो गुरुद्वारा जो कि अंग्रेज इंजीनियर मिस्टर स्मिथ ने बनाया था, जो कि गुरुद्वारा श्री देगसर साहब के इतिहास में लिखा हुआ है। भैया जी किस चीज़ का काम कर रहे हो? ये हाँ, कंध का काम चल रहा है। किसका? ये कंध बन रहा है। नहीं, कंध बन रहा है कि दीवार बन रहा है? दीवार तो नहीं बनेगा, इतने बस देर हो जाएगा। किस चीज का दीवार बन रहा है भैया जी? गुरु घर का है, बाउंड्री। अच्छा अच्छा, बाउंड्री वॉल बन रहा है। तो ये है गुरुद्वारा एंट्री के लिए दूसरी साइड का ये रास्ता, जा इस साइड से भी लोग आ सकते हैं। ये सामने नहर का व्यू, ये है वो पुली, तो इस पुली से क्रॉस करके सामने है ये गुरुद्वारा श्री देगसर साहब। ये गुरुद्वारा श्री देगसर साहब का व्यू, गुरुद्वारा श्री देगसर साहब से दर्शन करके जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो इसी के साथ ही करेंगे ब्लॉग समाप्त, तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।